याद रखना है। तो फिर सुनो, हरिपुर के विद्यालय में एक दासू था। वही दासू जो जगबंधु दीनानाथ के हाथ पैर तोड़ा था। दासू का चलना फिरना देखकर बात विचार सुनकर पागल जैसा लगता था, इसलिए विद्यालय के बच्चे पागल दासू कहते थे। दासू का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन दासू गुस्सा नहीं होता था, बल्कि वो बहुत खुश होता था। हमारे गांव में जब सब अमावट बनाते हैं तो सब मुझे बुलाते हैं। तू अमावट खाता है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर जब वो लोग अमावट छत पे सुखवाते हैं, तब मैं छत पे चढ़कर एक बार देख के आता हूँ। तब कौआ भाग जाता है और सारे आम सुखाने वालों को पहरा भी नहीं देना पड़ता है। परीक्षा में कुछ दिन बाकी था। एक दिन दासू अपने पापा का कोट और पैंट पहनकर जोकर जैसा बनकर स्कूल आया। तभी बच्चे देखकर बोले, ओए दासू, तू अचानक कोट पैंट पहनकर क्यों आया है? तुम लोगों को समझ में नहीं आया ना, मैं चाहता हूँ मैं भी अच्छा इंग्लिश पढ़ सकूँ, लिख सकूँ, इसीलिए कोट पैंट पहनकर आया हूँ। कुछ दिनों बाद की घटना। कुछ दिनों से दासू एक ब्रीफ केस लेके आता था। यही देखकर हिंदी के सर दासू से पूछे, दासू, ब्रीफ केस में क्या है? जी, मेरा सामान है। सामान? दासू, तुम्हारा कैसा सामान? हाँ सर, इसके पास तो कॉपी, पेन, किताब, पेंसिल सब कुछ है, फिर कैसा सामान सर? कान खोल के सुन लो, मेरे सामान में हाथ मत लगाना तुम लोग। सुन, कुछ देखा है तू? नहीं, मुझे लगता है उसमें खाने का सामान होगा। उसमें खाना है? हाँ। लेकिन आज तक मैं आधी छुट्टी में उसे कुछ खाते हुए नहीं देखा हूँ। मुझे लगता है उसमें उसका पैसा होगा, इसीलिए अपने पास रखता है। पैसा इतना सारा वो विद्यालय में क्यों लाता है? वो कोई बिजनेस करेगा क्या? आधी छुट्टी का घंटा पड़ते दासू दौड़ते दौड़ते भोला के पास आया। भोला को बोला, भोला, मेरा ब्रीफकेस का चाबी तू अपने पास रख, मैं अपना ब्रीफकेस गार्ड को देके जा रहा हूँ। अगर मेरे आने में देरी हो जाए तो मेरा चाबी तू गार्ड को दे देना, ठीक है? ठीक है। यही मौका है, चल भोला चल, उसका ब्रीफकेस खोल के देखते हैं। हाँ हाँ, चल चल। रहा उसका ब्रीफकेस। हाँ। खोल जरा देखूं क्या है इसके अंदर। लंच बॉक्स है इसमें। देखना उसमें क्या लिखा हुआ है। ज्यादा चालाकी करने से बेवकूफ बन जाते हैं। क्यों, शक दूर हो गया तुम लोगों का? उस दिन पागल दासू अपना दिमाग लगाकर सारे बच्चों को बेवकूफ बना दिया।
मजा? नहीं नहीं नहीं, मजा वजा अब कुछ नहीं होगा। राज्य चलाते हुए मजा तो जिंदगी से खत्म हो ही चुका है खान साहब, सब उब चुके हैं। तो मैं एक मजेदार सी कहानी सुनाता हूँ, क्या बोलते हो? अरे नहीं खान साहब, इन सब चीजों से मेरे दिल में मजे का कोई आमोद प्रमोद नहीं हो पाएगा। तो बताइए किस चीज से आपके मन में मजे का संचार होगा? अपने दिमाग से किसी बुद्धिमान इंसान को पकड़ के लाओ। हाँ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा बुद्धिमान इंसान मिलेगा कहाँ? क्यों, हमारे नदिया के महाराज कृष्ण चंद्र के विरुद्ध गोपाल भाड़? हाँ 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 हाँ, उन्हें तो काबू कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छे से सोच कर बोलो, काबू तो कर पाओगे ना? हाँ सुल्तान बाबू, जरूर कर पाऊंगा जरूर। अच्छे से सोचो, विचार करके बोलो। देखो अगर तुम अपनी बुद्धि के खेल में गोपाल के आगे हार गए तब तो तुम्हारा कत्ल कर देना। ठीक है कर लीजिएगा, अभी मैं जाता हूँ, दिमाग लगा कर सोचता हूँ। ठीक है। माँ आप बिना हद दो। क्यों नहीं कर सकती, बुद्धि क्या सिर्फ तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है क्या? ओ दादी माँ चलो ना कहानी सुनाने। अरे रुको रुको चलती हूँ। माँ ये अब आपको नहीं छोड़ेगा, जोंक की तरह चिपक कर बैठा रहेगा। जाइए अभी आप उसको कहानी सुनाइए, रात को मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, चल चल मैं ही तुझे कहानी सुनाती हूँ। हाँ 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 चलो दादी माँ चलो। प्रणाम गोपाल भैया जी, महाराज ने आपको एक जरूरी काम के लिए याद किया है, चलिए आप ऐसे बेवक्त पर। वजह क्या हो सकती है बीवी? अगर मुझे हाथ देखना आता या मेरे पास दिव्य दृष्टि होती तो पक्का बता देती कि क्या वजह है, पर जब मैं ये बात बता ही नहीं पा रही तो आप ही जाकर क्यों नहीं देख लेते कि क्या बात है? तुमसे पूछना ही बेकार है, फालतू में तीन चार बातें सुना दी। चलो भाई चलो। तीन गुड़िया के तीन तरह की खासियत। ऊपर से देखकर तो नहीं बताया जा सकता, बहुत सोचना समझना पड़ेगा। क्या मैं तीन गुड़िया घर ले जा सकता हूँ, वहां जाकर देखूंगा? हाँ वो तुम्हारी मर्जी है, पर कल 10 बजे तक का समय है तुम्हारे पास, तब तक मुझे उत्तर चाहिए, नहीं तो नवाब बहादुर के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये क्या बात हुई जी, आप तो इतने बुद्धिमान हो फिर भी इन तीन सामान्य गुड़ियों का रहस्य नहीं बता पा रहे। पापा पापा देखिए ना, ये लड़की का टुकड़ा कैसे गुड़िया के कान से घुसकर मुंह से निकल आया है, देखिए ना एक बार। कहाँ, दिखाओ तो। बीवी लग रहा है समस्या का समाधान मिल गया। महाराज ये है नवाब बहादुर द्वारा भेजी गई तीन गुड़िया और ये है लकड़ी का एक टुकड़ा। ये देखिए ये लकड़ी का टुकड़ा पहले गुड़िया के एक कान से घुसकर दूसरे कान से निकल गया, और अब देखो अब ये लकड़ी का टुकड़ा दूसरी गुड़िया के कान से घुसकर मुंह से निकल गया। वो तो देखा, पर इन गुड़ियाओं के खासियत में जरूर कोई अर्थ है, वो क्या है? महाराज भगवान की रचाई इस सृष्टि में तीन तरह के लोग हैं, वो हैं उत्तम माध्यम और अधम। कुछ लोग जो अपने व्यक्तिगत काय अपने बारे में सुनी हुई बातों को अपने अंदर ही दबा के रखते हैं और फिर विचार विमर्श के माध्यम से दोष का निवारण करके आगे बढ़ते हैं, वो लोग हैं उत्तम श्रेणी के। जैसे ये पहली गुड़िया एकदम उत्तम श्रेणी, सबसे उत्तम। कुछ लोग होते हैं इस दूसरी गुड़िया की तरह जो सुनते तो हैं पर उस पर विचार विमर्श करने का कष्ट नहीं करते, एक कान से सुनते हैं और उसी मुहूर्त से दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, ये है मध्यम श्रेणी के। दुनिया के सबसे भयानक यही लोग हैं जिनका आचरण इसी तीसरी गुड़िया के जैसे हो, ये अपने कानों से जो सुनते हैं उसी पर बिना किसी विचार विमर्श के वैसे ही अपने मुंह से बोल डालते हैं। दुनिया में जो कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है वो इसी श्रेणी के लोगों की वजह से होता है, ये हुए अधम श्रेणी के। सच में
गोपाल ने इस बार भी अपनी बुद्धिमता से हमें मात दे दी और इसीलिए दया 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 दिया करके मेरा कत्ल ना करे जहाँ पना। अरे, अरे नहीं नहीं, कौन कर रहा है तुम्हारा कत्ल? तो? तुम खुद राजा कृष्णचंद्र के दरबार में जाकर गोपाल को मेरी तरफ से पुरस्कृत करो। सच में गोपाल, सच में तुम विचित्र हो, इसलिए नवाब बहादुर की तरफ से तुम्हारे लिए ये उपहार। अरे गब्बू, मैंने तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो ना क्लब में कैरम बोर्ड खेलने। तुम्हारे क्लब में? वो कहाँ है क्लब? चलो ना, देख पाओगे। चलो तब। ये देखो, यही तो मेरा क्लब है। ये क्लब तुम्हारा है? मेरा तो ये मन कह रहा है कि ये बहुत पुराना घर है। क्या है पुराना है तो, लेकिन क्लब घर है तो। चलो कैरम खेलते हैं। चलो। रुको, पहले ताला खोलें। अरे ये क्या, घर में से कुछ आवाज आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सुन रहे हो? हाँ, कोई चोर डाकू नहीं ना घुसा है? अरे वो दिख, लगता है कोई सोया हुआ है और उसका लंबा लंबा दांत भी दिख रहा है। मेरा मन कह रहा है लगता है कि कोई वो भूत है, कंकाल की तरह शरीर है। अरे हाँ, रम 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 रम। अरे भाग 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 भाग, भूत है, जल्दी भाग भाग भाग, जल्दी भाग, भूत है भूत। अरे गब्बू, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हो? डर के मारे, डर के मारे। डर के मारे? कैसा डर? मेरे क्लब घर में एक बहुत बड़ा भूत सोया हुआ है, भूत। चलो चलो, चल के देखते हैं। वो देखो, अरे रुक जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें देखो कैसे मजा चिखाता हूँ। तुम सब कौन हुआ? मैं अच्छा खासा सो रहा था, लाइट जला के मेरा नींद खराब कर दी। अरे भूत बाबा, तुम यहाँ सोए हो, ये क्या तुम्हारे सोने का जगह है क्या? तेरा हिम्मत तो बहुत है, मेरा कच्चा नींद तोड़ दिया। हाँ? अरे चुप चुप, तुम यहाँ से जाओगे या कि मैं दूसरे रास्ते से तुमको भेज दूँ यहाँ से? बड़ा बड़ा तांत्रिक मुझको देखकर भागते हैं और तू हमें धमकी दिखाता है। रुक जा, तुझे मैं मजा चखाता हूँ। अरे सब सत्यानाश हो गया, पता नहीं आज तब को क्या होगा। आज मैं अपना हाथों से तेरा गर्दन मरोड़ कर खून पी जाऊं। ओम टर छुक छुक, हाथ गल जा टर छुक छुक। अपना गला हुआ हाथ से मेरा गर्दन कैसे मरोड़ोगे, खून कैसे पियोगे? अरे ये क्या हो गया, मेरा हाथ गलते जा रहा है, ये क्या? तुम मुझे डराए हो, ये उसी का सजा है। अब रहो तुम ऐसे ही, ऐसे रहो। मेरा हाथ ठीक कर दो, मेरा मैं जीवन में किसको डर नहीं दिखाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, कभी इधर कदम नहीं रखूंगा, मुझे छोड़ दो, मेरे को ठीक कर दो। ये लो, अब पहले तुम हाथ ठीक कर दो। ओम छुक छुक छुक, पहले जैसे हाथ ठीक हो जाए छुक छुक। अब लो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, घर छोड़ दो। मैं अभी भागता हूँ, मैं अभी भागता हूँ, भागता हूँ।
अरे वाह, टापू के जादू विद्या से हम और हम लोग का क्लब भूतों के हाथ से बच गया है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बाबा, हाँ, अचानक क्यों दोपहर के धूप में चद्दर ओढ़ रखा है? चोर जैसा नंद गोपाल चल रहा है चोरी चोरी, छुपा के रखा है चद्दर के अंदर नकाब। आज की रात अंधेरे में सबक सीखेगा गोपी। आने के सामने खड़े होके गोपी हंस क्यों रहा है? अजीब वस्त्र पहन के गोपी मुंह पे पोत रहा है कालिख। ऐसे करके उछल कूद कर जब वो घर से निकल पड़ा, नंदू कैसे डर जाएगा, हंस रहा है सोच कर। आधी रात को भूत जैसा जंगलों के बीच कौन है? बुद्धि लगा के नंद गोपाल मुख में मुकुट पहने। है गोपी आए ना इधर वो घूम के, नंद गोपाल भय दिखाएगा, प्राण जाएगा उसका उड़। वहाँ कौन है जिसका शक्ल छुपा है मूछों के बीच में? पतला गोपी घूम रहा है जंगलों झाड़ में। नंदू जब घर के रास्ते से आएगा पेड़ के पास, मारो मारो बोल कर गिरेगा वो उसके कंधे पे। नंद चले धीरे धीरे एक दो कदम आगे, टक टक करे चले गोपी सावधान होकर आगे। झाड़ों के बीच से जब वो गया देखने, दोनों एक साथ आ गए एक दूसरे के सामने। दोनों गिर पड़े, गोपी ने कहा मार 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 गोपी। छोड़ के नंदू गिर पड़ा नकाब, लग गया उसको दांत। गोपी को लग गया बुखार, डर के मारे 104 गांव के लोगों ने दौड़ के बुलाया जाके डॉक्टर को। कोई हंसे कोई रोए इन दोनों का नाटक देखकर, नंदू गोपी का किस्मत खराब, अंत हुआ ऐसे। देख के उन दोनों को सभी हंस पड़े लोट पोट कर। नंदू बोल गोपी, हमारा रोज रोज का ये झगड़ा झमेला गांव लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, सभी परेशान हो गए हैं परेशान। हम लोग झगड़ा करके एक दूसरे को डरा कर मर रहे हैं और वो लोग देखकर मजे ले रहे हैं। नहीं और नहीं, नंदू और गोपी अब से दुश्मन नहीं है, दोस्त है। जिसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड। आज से हम दोनों को देखकर कोई नहीं हंसेगा। बदले में हम लोग दुखी लोगों को हंसा देंगे। तो होता है नंदू और गोपाल की दोस्ती।